हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो बहुत सारे यात्री हैं, चाहे तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या जो भी रेल से सफ़र करते हैं और कहीं न कहीं बहुत सारे रेलवे स्टेशन को टच करते हुए पार करते हुए जाते हैं, तो एक गौर किए होंगे कि बहुत सारे स्टेशन को किसी को स्टेशन कहा जाता है, रेलवे स्टेशन किसी को कहा जाता है, किसी को जंक्शन स्टेशन कहा जाता है, तो किसी को टर्मिनल स्टेशन कहा जाता है, किसी को सेंट्रल स्टेशन कहा जाता है, किसी को छावनी स्टेशन कहा जाता है और किसी को पीएच होल्ट कहा जाता है, रोड साइड होल्ट कहा जाता है। तो आपके मन में ये दुविधा आता है कि आखिर ऐसा क्यों लिखा रहता है, स्टेशन पर जो बोर्ड होता है उसमें ऐसा आखिर क्यों लिखा रहता है। तो साथियों, आज मैं वही सब सोच के आपकी जो मन में परेशानियां चलते रहता है उसी को मैं दूर करने के लिए आज उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें बताऊंगा कि सभी के नामों में क्या डिफरेंट होता है और किसको किस नाम से जानते हैं और क्या कहा जाता है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा रेलवे संबंधी, एजुकेशनल संबंधी, मोटिवेशनल संबंधी वीडियो आपके बीच में लाते रहते हैं। तो साथियों, आज मैं उसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, वीडियो को स्क्रीन कीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। साथियों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहला है कि स्टेशन। अब स्टेशन पे जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता है रेलवे स्टेशन पे किसी स्टेशन का नाम और स्टेशन लिखा रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेशन जो होता है वो स्टेशन किसे कहा जाता है। तो साथियों, जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है और यात्री को भरती है, उतारती है और फिर आगे की ओर बढ़ जाती है, उसे स्टेशन कहते हैं। क्या समझे? जहाँ पे कोई भी ट्रेन आती है, रुकती है और पैसेंजर को उतारती है और फिर दोबारा भरती है और फिर आगे की ओर चल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेशन कहते हैं। जैसे अभी हमारे भारत में लगभग 8000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें आपका हो गया स्टेशन बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन और बहुत सारे बड़ौदा रेलवे स्टेशन, तो इस तरह के आप है जो कि रेलवे स्टेशन को जान सकते हैं। अब दूसरा है जंक्शन। ये कहीं कहीं देखे होंगे लिखा हुआ रहता है जंक्शन स्टेशन। तो साथियों, जंक्शन स्टेशन वैसा स्टेशन है जहां से कम तीन दिशा की गाड़ी आके मिलती है, जिसमें कम से कम तीन दिशा में से गाड़ियां आके वहां पे ठहरती है, रुकती है और फिर आगे जाती है, और उसे स्टेशन को हम जंक्शन स्टेशन कहते हैं। जैसे अर्थात मान लीजिए कि बहुत दिशा से जो रेलवे लाइन का जो मिलन बिंदु होता है उसे जंक्शन कहते हैं। जंक्शन को लगभग 300 से अधिक हमारे भारत में जंक्शन स्टेशन है, जिसमें आपका हो गया पहला है कि जो मथुरा जंक्शन है, मथुरा जंक्शन में जो 7 दिशा से ट्रेनें आके एक दूसरे को क्रॉस करती है और 7 दिशा में जाती है। दूसरा आपको है सेलम जंक्शन। सेलम जंक्शन में 6 दिशा से रेलवे आती है और गुजरती है। फिर तीसरा में हो गया आपका
पटना जंक्शन, नई दिल्ली जंक्शन, ये सब जो है आपको क्या है, जंक्शन स्टेशन है। अब तीसरा मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि टर्मिनल, कि टर्मिनल किसे कहते हैं। तो टर्मिनल वैसे स्टेशन को कहते हैं जहाँ से आगे की लाइन समाप्त हो जाती है, मतलब जिस स्टेशन से आगे की ओर ट्रेन नहीं जाती है उसे टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। अर्थात वहाँ से जो भी गाड़ी आएगी, जिस दिशा से आएगी, वापस उसी दिशा में जाएगी, उसे टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। तो हमारे भारत में लगभग 27 बड़े टर्मिनल स्टेशन हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हो गया छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल, और दूसरा हो गया लोकमान तिलक, बांद्रा टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, ये सब है जो कि टर्मिनल के रूप में माना जाता है, टर्मिनल है। अब चौथा है सेंट्रल, सेंट्रल स्टेशन। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल स्टेशन होता है वो किसी बड़े शहरों के सेंटर में, मध्य में, मतलब बीच में होता है, जहाँ पे गाड़ियों का अधिक आना जाना होता है, अधिक ठहराव होता है, और ये स्टेशन को सबसे पुराना स्टेशन के रूप में माना जाता है, जो कि भारत में ऐसे स्टेशन है जिसे सेंट्रल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका हो गया कि मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल और बेंगलोर सेंट्रल, ये सब जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन वो सेंट्रल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब आपको पचमा है होल्ट स्टेशन। होल्ट स्टेशन वैसे स्टेशन को कहते हैं जिसमें सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें आके रुकती है और फिर चली जाती है, उसे होल्ट स्टेशन कहते हैं। जैसे में आपको हो गया है पीएच सेंट्रल स्टेशन, पीएच स्टेशन वैसे स्टेशन, ये डी क्लास के स्टेशन होते हैं जिस पे ना तो कोई रेलवे स्टाफ होते हैं, ना किसी तरह के कोई सिग्नलिंग की व्यवस्था होती है, उसे पीएच स्टेशन कहते हैं। अब आपको सातवां नंबर है जो रोड स्टेशन, ध्यान से देखिएगा, सातवां नंबर रोड स्टेशन। तो रोड स्टेशन वैसे स्टेशन को कहते हैं जो स्टेशन किसी बड़े शहरों के नज़दीक होता है उसे रोड स्टेशन कहते हैं। वैसे स्टेशन जो किसी बड़े शहरों के नज़दीक होता है उसे रोड स्टेशन कहते हैं। जैसे आपको हजारीबाग रोड, हजारीबाग रोड हो गया स्टेशन, ये आपको रोड स्टेशन हुआ। पावापुरी रोड, ये बिहार शरीफ शहर के नज़दीक में है और पावापुरी के नज़दीक में है, इसीलिए इसे रोड स्टेशन कहते हैं। अब आठवां है छावनी, छावनी स्टेशन। तो साथियों आप जानते हैं कि वैसे स्टेशन जिसके नज़दीक, जिसके नज़दीक किसी डिफेंस, पुलिस, सैन्य का छावनी होता है, बैरक होता है, और उसी के नज़दीक वो स्टेशन होती है, उसे छावनी स्टेशन कहते हैं। जैसे आपका हो गया अंबाला छावनी स्टेशन में। अब नौमा है यार्ड, नौमा है यार्ड। तो यार्ड वैसे स्थान को, ऐसे स्टेशन को कहते हैं जिसमें चल के जो आई हुई गाड़ियां हैं उसे विश्राम दिया जाता है और उसकी देखभाल, मरम्मत, मेंटेनेंस के लिए वहां पे रखा जाता है, और फिर एक समय के बाद उसे चलाया जाता है या माल उसमें भर के या चाहे तो पैसेंजर भर के जो स्टेशन पे लाया जाता है उसे यार्ड कहते हैं। या अर्थात इसको ये मानिए कि जो यार्ड होता है वो विश्राम स्थल होता है, गाड़ियां का विश्राम स्थल होता है। हालांकि साथियों ये स्टेशन में बहुत सारे गाड़ियां को रखने का कैपेसिटी होता है, जैसे आपका मुगलसराय यार्ड हो गया,
आपका बड़ौदा यार्ड हो गया, ये सब करचिया यार्ड हो गया, ये सब जो सब है बड़े बड़े यार्ड के रूप में माना जाता है। तो साथियों, मैं यार्ड के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें यार्ड के भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे वैरायटी है, जो आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। तो साथियों, इतना सारा जो स्टेशन का नाम था, आज आपको पता चल गया होगा कि जगह जगह पर, किसी जगह पे सेंट्रल, किसी जगह पे छावनी, तो किसी जगह पर होल्ट, ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो अब आपको किसी तरह के मन में परेशानी, दुविधा नहीं रह गया होगा कि अब किसको क्या कहते हैं, चाहे तो ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो, किसी तरह के मन में दुविधा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब को जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। तो साथियों, ऐसे ही इसी तरह के मैं जानकारी संबंधी वीडियो लेके आते रहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो अगर आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जितना सारा वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, और ट्रेन का सफ़र एक अच्छा सफ़र है, उसे मस्ती के साथ करते रहिए। और जहाँ पे आप इस तरह के बोर्ड स्टेशन पे देखें, तो आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इस ऐसा क्यों लिखा रहता है। साथ साथ में जो बगल में बैठे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आता है, तो आप इतना वीडियो को देख के समझ लें, ताकि उनको वो बात समझा सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।